हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे गोवन स्टाइल बोम्बिल पिकल यानी बॉम्बे डक पिकल। तो अभी हम ये बोम्बिल है वो अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। तो उसकी पूंछ और ये सब निकालना है, उसकी फिन्स है इसे भी अच्छी तरह से क्लीन करना है, और इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। तो इस तरह से आपको बोम्बिल को अच्छी तरह से काट के रेडी करना है। तो हमारी जो बोम्बिल है हमने अच्छी तरह से उसको क्लीन करके काट दिए है छोटे छोटे पीस में। तो आप अपनी साइज़ के हिसाब से पीस काटिए। अब मैंने एक कप विनेगर लिया है, तो इसमें हम मैरिनेट करके रखेंगे और फिर आधे घंटे के बाद इसे अच्छी तरह से क्लीन करेंगे ताकि इसके जो भी कचरा है वो सब निकल जाए। लेकिन हमें पानी नहीं डालना है इसमें, सिर्फ विनेगर से क्लीन करना है। तो बोम्बिल के अचार के लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने 20-25 कश्मीरी मिर्ची लिए और थोड़े तीखे वाले भी मिर्च 5-6 मिक्स कर दिए ताकि तीखापन आए। 1 इंच अदरक जिसको मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए है, 20-22 लहसुन की कली मीडियम साइज़, थोड़े काली मिरी के दाने, दालचीनी 1-2 टुकड़े और 8 से 10 लौंग। इसके साथ नमक, अभी हमें नमक थोड़ा कम डालना है क्योंकि हमारा ड्राइड फिश है उसमें ऑलरेडी नमक है, तो नमक कम डालना है। और ये हींग है, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हम पहले मैरिनेट कर लेंगे विनेगर में। नमक और हींग छोड़ के सब इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स किया है और इसमें मैंने 1 कप विनेगर डाला है, वाइट विनेगर। अगर आप चाहे तो रेड विनेगर भी डाल सकते हैं। इसे 1 घंटे तक अच्छी तरह से मैरिनेट होने दीजिए और उसके बाद हम इसे मिक्सी में इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना देंगे। ये जो बोम्बिल मैंने मैरिनेट किए थे उसको अच्छी तरह से मतलब काइंड ऑफ पानी में मिक्स करके वी आर क्लीनिंग इट ताकि उसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। अगर आप चाहे तो उसको दूसरे विनेगर में भी अच्छी तरह से धो सकते हैं अभी। और ये पानी जो है मतलब विनेगर जो है इसे आपको यूज नहीं करना है, इसे फेंक देना है। तो आपको अच्छी तरह से इसे वॉश करके उसे निकाल देना है। ये उसको अच्छी तरह से ड्राई करके इसका जो पानी है थोड़ी देर आप सुखा के रख दीजिए। अब हमने एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा तेल मतलब 1 चम्मच तेल लिया है, तो इसमें हम हमारा जो बोम्बिल है जो सूखा हुआ है उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि उसकी जो स्मेल है वो निकल जाए और थोड़ा सा कुक हो जाए, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए। इसे हम सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे धीमी आंच पे। अभी हमें एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेना है, आप थोड़ा तेल ज़्यादा भी ले सकते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल। और ये हमारा पीसा हुआ मसाला है जो मिर्ची लहसुन का मसाला है, उसे हमने पेस्ट कर दिया। तो तेल गर्म होने के बाद हमें इसमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैंने अभी फ़िलहाल मीडियम आंच पे गैस रखा है। तो ये मसाला हमने गर्म तेल में फ्राई करना है। पहले इसे अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर देते हैं। जो मिक्सी में थोड़ा बहुत मसाला है उसमें विनेगर डाल के आप क्लीन कर सकते हैं, इसमें पानी नहीं डालना है नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारी जो बोम्बिल है उसमें ऑलरेडी नमक है, तो एकदम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, सो हींग डालना ज़रूरी है। अभी हमारे जो पीसेस है ये हम बोम्बिल के इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से इसे 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। आपको बीच बीच में इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से पके और वो पैन को
मसाला चिपक न जाए। तो 15 मिनट के बाद हमारा बोंबिल पिकल रेडी है, तो इसे अभी ठंडा होने के लिए 1 घंटा रखेंगे और फिर उसे ग्लास की बोतल में रख देंगे। ग्लास की बोतल में रखने के बाद इसे आप 4-5 महीने तक रख सकते हैं बाहर, अगर फ्रिज में रखें तो और 2-3 महीने ज़्यादा टिक सकता है। सो हैप्पी ईटिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।